अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम सुबानिया, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है बिलाल भाई, बस एक मसला हो गया यार। क्या मसला हो गया भाई? यार आपको नहीं पता, पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। दोनों को खुला छोड़ेंगे तो भाई दोनों ने उड़ना ही है यार। वैसे ये भी खूब है ना, पहले हमारे मुल्क में गोरों को खुली छुट्टी थी, अब डॉलर को खुली छुट्टी है। रेमंड डेविस से बेहतर है कि डॉलर को छूट दे दी जाए। अबे तो यार डॉलर भी तो मुआशी कत्लेआम कर रहा है, और हम जो मुआशी खुदकुशी कर रहे हैं यार। मतलब डॉलर को लगाम देने के लिए कि हम कुछ नहीं कर रहे, इससे तो मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हो जाए तो फिर भाई मुल्क चलेगा कैसे, करेंगे क्या? नया बेड़ा बन रहा है भाई, फिक्र नहीं करें। ये हुकूमत बना रही है नया बेड़ा। ना मुरादा ने हुकूमत को हैरत से ना देख, आहा ये बड़े लोग हैं, जीने का हुनर जानते हैं। वाह सुभान अल्लाह, खुदा करे कि ऐसे ही हो। लेकिन आजकल ऐवानों में तो मुराद और नामुराद की तकरारी सुनाई दे रही है भाई। घबराए नहीं, अपना काम ईमानदारी से कीजिए। ईमानदारी? यार बिलाल भाई यहाँ पे कोई इफ्तारी तक तो ईमानदारी से करता नहीं है, अपने पकौड़े किसी को नजर नहीं आते, दूसरे की छीनने में लगे हुए होते हैं। बस यही बुनियादी मसले हैं, खुद काम करते नहीं है और दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। अपोजिशन का जो हंगामा है ना, वो इस बात की जिंदा मिसाल है। तो बिलाल भाई क्या मतलब हम कभी मेनहसुल कौम तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते, क्यों नहीं हो सकते। लेकिन हमें चीनी मंजिल के अलावा ना नमकीन मंजिलें भी ढूंढनी होंगी। ये बात तो खूब कर दी यार आपने। वैसे आपकी नमकीन मंजिल से मुझे याद आया कि वो मेजर अदनान समी खान के बाद मेजर राखी सावंत भी मैदान में आ गई हैं। क्या बोली है बंदी यार, पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए मजा आ गया, कमाल कर दिया। राखी सावंत को देख के तो मजा ही आता है भाई। अब क्या बात कर रहे हैं यार। अरे मैं उनकी बेबाक बातों और जुर्रत की दाद दे रहा था। वो तो देनी चाहिए। वैसे हमारे पास भी ना राखी सावंत जैसी खातून है। आप वीना मलिक की बात तो नहीं कर रहे? सही पहचान है भाई, जब से सानिया मिर्जा और वीना मलिक की सोशल मीडिया जंग शुरू हुई है ना, शोएब मलिक को चाहिए था कि वीना मलिक से राखी बनवा ले, ताकि नंद भावच का जो ये चक्कर है ना, ये सीज फायर हो जाता। यार वैसे बिलाल भाई वीना मलिक की ट्वीट भी तो अखलाक से बाहर जा रही है। अरे ट्वीट ही बाहर जा रहे हैं ना भाई, और जिनके खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं वो तो कौम की दौलत को ही बाहर ले गए। वो लंदन गया, लौटा तो सीधा अडियाला। बस यही बात है अच्छी मियां हर जाई की। आहा क्या बात है। वैसे वीना मलिक हो या राखी सावंत, सच बहरहाल सच ही होता है।